हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहिद पाशा और आप देख रहे हैं आरटीवी कर्नाटका। गुलबर्गा शहर में यानी कि कलबुर्गी शहर में बहुत सारे आर्टिस्ट यहां पर मौजूद हैं और ये कला नगरी मानी जाती है। शरण बसवेश्वर यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है जो इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन कहलाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक आर्ट कैंप रखा गया है जिसमें गुलबर्गा शहर के बहुत सारे नामचीन आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही बढ़िया कलाकृतियों को यानी कि पेंटिंग्स यहाँ पर लाइव बनाए हैं जिसको देखने के लिए यहाँ के स्टाफ, स्टूडेंट्स, बहुत सारी आवाम, यहाँ की गुलबर्गा की आवाम अप्रिशिएट कर रही है, और हम आपको इस टीवी के ज़रिए दिखाएँगे। तो हमारे साथ मौजूद है इंडियन रॉयल एकेडमी के प्रेसिडेंट डॉक्टर रहमान पटेल, जिन्होंने इस संस्था के साथ जुड़कर इस बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन को अंजाम दिया है, और उसके साथ साथ आप जो देख रहे हैं सारी कलाकृतियां, मोर देन 60 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं जो इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन कहा गया है, और उसमें मोर देन 18 आर्टिस्ट इंटरनेशनली अलग अलग कंट्री से जुड़े हुए हैं, और इसका डिटेल्स देने वाले हैं मिस्टर रहमान पटेल। तो स्वागत है आपका मिस्टर रहमान पटेल साहब, और ये बताइए कि कितने दिन तक ये एग्जीबिशन रखा गया है और कौन कौन आर्टिस्ट किस किस कंट्री से पार्टिसिपेट कर चुके हैं? ये एग्जीबिशन 3 दिन का रखा गया था, शरण बसवेश्वर यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट उसके साथ जॉइंटली इंडियन रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से। तो इसमें करीब 60 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए, जिसमें 18 आर्टिस्ट जो है फॉरेन कंट्री के रहे, जिसमें UAE है, USA है, तुर्की, बांग्लादेश, श्रीलंका, जर्मनी, फिनलैंड, इस तरह करके 18 कंट्रीज़ के जो आर्टिस्ट हैं हमको ईमेल के थ्रू उन्होंने अपने पेंटिंग्स हमें भेजे हैं। तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि गुलबर्गा शहर जैसे एक संस्था में जहां शरण बसवेश्वर यूनिवर्सिटी है वहां पर इंटरनेशनल आर्टिस्ट को लेकर के हमारे यहाँ के इंडियन आर्टिस्ट को और लोकल आर्टिस्ट जो गुलबर्गा के हमारे आर्टिस्ट हैं उन सबको ले करके जो है यहाँ पे एग्जीबिशन करें, और बहुत ही बेहतरीन रेस्पॉन्स यहाँ पर रहा, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं या फिर आर्ट प्रोमोटर्स हैं, आर्ट लवर्स हैं, सब के सब यहाँ पे आके बहुत सारा जो है इस एग्जीबिशन को एंजॉय किया, और बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के साथ यहाँ पर चिट चैट भी किया। तो इसी तरह से लाइव डेमो भी रहा यहाँ पर, जिसे आर्ट कैंप कहा गया है। 2 दिन का ये आर्ट कैंप में जो भी आर्टिस्ट इसके अंदर पार्टिसिपेट करे वो जिन उनका जो खुद का स्टाइल है वो स्टाइल को लेकर के उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और लोगों ने उसको देखकर बहुत ही जो है ना सराहा। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ शरण बसवेश्वर यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट को और उनके स्टाफ और स्टूडेंट्स जो है, और हमारे जो लोकल गुलबर्गा के आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो इसी तरह से सबका अगर कोऑपरेशन रहा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इससे बहुत अच्छे बेहतरीन जो है बेहतरीन तरह से जो है हम एग्ज़िबिशन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शुक्रिया। तो इसी तरह के एक्टिविटीज़, देश भर विदेश में चलने वाले एक्टिविटीज़ हम आप तक आरटीवी के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए आरटीवी कर्नाटका के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब आरटीवी कर्नाटका एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। Subscribe RTV Karnataka, Karnataka's first art news channel.